गुड मॉर्निंग मध्य प्रदेश। मेरा नाम कार्तिक और आप देख रहे हैं खबर टीवी न्यूज। चलिए हम बात करते हैं आज की अभी तक की मध्य प्रदेश की 10 बड़ी खबरों की, जिसमें पहली बड़ी खबर है भोपाल से, जहां पर उच्च शिक्षा विभाग में नवीन नीति 5 अक्टूबर 2023 के अनुरूप पत्र 2024-25 के लिए अतिथि विद्वान आमंत्रण प्रक्रिया के लिए समय सारणी जारी की है। इसके अनुसार वर्तमान में आमंत्रित अतिथि विद्वानों को स्थल परिवर्तन की सुविधा, नवीन पंजीयन एवं पूर्व से पंजीकृत आवेदन की प्रोफाइल एवं दस्तावेज अपलोड किए जा सकेंगे। अगली बड़ी खबर है भोपाल से, जहां पर वन एवं पर्यावरण मंत्री रामनिवास रावत ने कहा कि क्षेत्र के विकास एवं बुनियादी सुविधाओं और अधिक बेहतर बनाने के लिए सतत कार्य किया जा रहा है। उन्होंने यह बात सोमवार को शिवपुरी जिले के विजयपुर के ग्राम आगरा में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में सामान्य वन मंडल एवं संयुक्त वन प्रबंधन समितियों के तत्वाधान में कही। अगली बड़ी खबर है भोपाल से, जहां पर खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने कहा कि मध्य प्रदेश की जनजातीय विकास खंडों में पायलट प्रोजेक्ट के रूप में शुरू की गई राशन योजना पायलट प्रोजेक्ट बहुत ही जल्द आने वाले समय में पूरे मध्य प्रदेश में लागू किया जाएगा। अगली बड़ी खबर है भोपाल से, जहां पर मध्य प्रदेश में दुष्कर्म की घटनाओं, खासकर बच्चियों से यौन शोषण के विरोध में कांग्रेस ने कैंडल मार्च निकाला। भोपाल में सोमवार देर शाम कांग्रेस कार्यकर्ता 6 नंबर स्टॉप से 7 नंबर स्टॉप तक मोमबत्तियां लेकर निकले। कांग्रेस के कैंडल मोर्चा में मध्य प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष जीतू पटवारी और भोपाल मध्य से विधायक आरिफ मसूद शामिल हुए। अगली बड़ी खबर है भोपाल से, जहां पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने मुख्य आतिथ्य में सीहोर जिले के बैनुदा में मंगलवार दोपहर 1 बजे ग्राम विकास सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिस कार्यक्रम में केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान, प्रदेश के ग्रामीण विकास मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल और राजस्व मंत्री करण सिंह वर्मा एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण राज्य मंत्री कृष्णा गौर शामिल हुए। अगली बड़ी खबर है मुरैना से, जहां पर जिले में रबी सीजन के लिए खाद की मारामारी चल रही है। किसान लंबी लाइनों में लगने को मजबूर है। वहीं दूसरी तरफ जिला प्रशासन का कहना है कि DAP खाद की रैंक शुक्रवार तक आएगी। साथ ही कलेक्टर ने निर्देश दिए हैं कि खाद वितरण केंद्रों पर सर्वर की दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगली बड़ी खबर है रतलाम से, जहां पर रेलवे द्वारा यात्रियों की मांग एवं उनकी सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए वेस्टर्न रेलवे रतलाम मंडल से होकर 2 जोड़ी त्योहार स्पेशल ट्रेन चलाई जाएगी। यह ट्रेन अजमेर वलसाड़ अजमेर स्पेशल एवं बीकानेर वलसाड़ बीकानेर स्पेशल रहेंगी, जो कि दोनों दिशाओं में 6-6 फेरे लगाएंगी। अगली बड़ी खबर है खंडवा से, जहां पर सिहाड़ पंचायत में हुए करप्शन कांड के आरोपी सचिव शंकर फूलमाली का निलंबन बहाल कर दिया गया है। इस संबंध में जिला पंचायत से 9 सितंबर को आदेश जारी किए गए थे। इसमें खास बात यह है कि 9 सितंबर को तत्कालीन CEO जिला पंचायत शैलेंद्र सोलंकी का ट्रांसफर आदेश आ गया था। अगली बड़ी खबर है भोपाल से, जहां पर मध्य प्रदेश में भोपाल इंदौर ग्वालियर समेत 34 जिलों से मानसून विदा ले चुका है। जबलपुर समेत बाकी के 21 जिलों में मानसून की विदाई लो प्रेशर एरिया और साइक्लोनिक सर्कुलेशन ने रोक दी है। इसकी वजह से मध्य प्रदेश के पूर्वी हिस्से में बारिश हो रही है, जबकि पश्चिमी हिस्से में तेज धूप निकल रही है। दोस्तों, यह थी आज के अभी तक की मध्य प्रदेश की 10 बड़ी खबरें जो हमने आप लोगों को सुनाई। अब आगे देखते हैं मध्य प्रदेश से क्या कुछ नया अपडेट आता है। वह तमाम खबरें हम आपके सामने बहुत ही जल्द लेकर आएंगे। दोस्तों, अभी के लिए नमस्कार। बहुत ही जल्द मिलते हैं मध्य प्रदेश के न्यू अपडेट के साथ।